तो हम अब शुरू करते हैं। देखिए, कल जैसा बताया गया था फिन निफ्टी पे कि भैया जैसे ही 22,225 क्रॉस होगा, सुबह सुबह ही क्रॉस हो गया, फटाफट वहीं से शॉर्ट कवरिंग बनी और रेजिस्टेंस एग्जैक्टली वही हिट हुआ जो मैंने बताया था, 321 टू 427, 347, और वहीं से मैंने कहा था सेल ऑन राइज वाला एरिया यहाँ पे, तो यहीं से प्रॉफिट बुकिंग आई और जहाँ वहीं से स्पोर्ट ली जो मैंने बताया था 22,057, और वहीं से मार्केट ने स्पोर्ट ली। मतलब सब कुछ एग्जैक्टली हुआ और फिर वही टारगेट हिट हुआ जो मैंने बताया था। तो इस तरह से सब कुछ एग्जैक्टली होता चला गया और ये ऐसा रोज ही होता है। तो जो दर्शक नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया उसे जरूर क्लिक कीजिए, और उसके अलावा जो डीमैट अकाउंट के लिंक दिए वहां से अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और फिर ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में मैंने यही बताया था कि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस, तो आपने देखा सेलिंग ही रही। इसके ऊपर गया था, गया 11,840 के ऊपर, 11,840 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग के लिए, तो वो आया ही नहीं, उसके ऊपर गया ही नहीं, वहीं से नीचे घूम गया। तो इस तरह से सारा दिन मिड कैप निफ्टी प्रेशर में ही रही, जैसा मैंने प्राइस एक्शन आपको समझाया था। बाकी गोल्ड में अगर देखें तो गोल्ड में जहाँ पे स्पोर्ट है 71,123, वहीं से स्पोर्ट ले रहा है, मैंने कहा था इस एरिया से स्पोर्ट ले सकता है, ठीक है। ऊपर 72,000 और 72,117 इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। तो ये था गोल्ड। अब हम आते हैं, आपको बताते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स में 76,500 पे स्पोर्ट बताई थी और ब्रेकआउट बताया था 77,100 पे। ऊपर अगर 77,100 निकला तो शॉर्ट कवरिंग बनेगी और ऊपर का इम्पोर्टेंट लेवल बताया हुआ है 78,000, जहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अभी इसी एरिया में नो ट्रेड जोन में सारा दिन सेंसेक्स घूमता रहा। तो आइए अब हम आते हैं रुपये पर। तो रुपये में यहाँ बताया ही था कि यहाँ पे सेलिंग है, तो आप देख रहे हो बार बार यहाँ से सेलिंग ही क्रिएट हो रही है। और अगर हम आए स्टॉक पे, तो स्टॉक हमारा कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होता, हमारा काम है आपको पैटर्न समझाना। यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना है, उसके बाद अब पीनट फ्लैग भी बन रहा है, तो ये स्टॉक आप स्टडी कर सकते हो। ये काफी पैटर्न लगातार बना रहा है टीवीएस मोटर। अब आते हैं हम फिन निफ्टी पे। तो फिन निफ्टी का प्राइस एक्शन क्या है? फिन निफ्टी का प्राइस एक्शन ये कहता है कि 22,050 के आसपास स्पोर्ट है और यहाँ से बार बार आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है ऊपर की ओर। ऊपर के जो लेवल है 96, 143, 188, 278 और 350। 350 आपको समझाया था कल भी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से फिर से सेलिंग आ सकती है। 278, 188, 143, 100 और 22,057। जैसे मैंने कल बताया था बिल्कुल वैसा ही कल, फिर कल के लिए वही सेम प्राइस एक्शन है वही। हाँ, कुछ लेवल जरूर नए बनाए हैं, बाकी पेन क्रिएट इसमें तभी होगा अगर 21,950 टूटता है, तभी पेन क्रिएट होगा, पर इतना बड़ा पेन क्रिएट नहीं होगा। नीचे 10 MA नज़दीक ही है 850, तो यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर पेन क्रिएट पे आप किसी तरह की सेलिंग करते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट कवर कर लेना यहाँ पे। अब ऊपर की ओर शॉर्ट कवरिंग कहाँ बनती? शॉर्ट कवरिंग जो बनती है वो तभी बनेगी अगर 22,400 का कॉल राइटर ट्रैप होगा, 22,425 के ऊपर। 22,425 जैसे ही निकलेगा एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, और ऊपर 532 और 660। 660 बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कारण ये ऑल टाइम हाई, और यहाँ से फिर से सेलिंग बनेगी, बन सकती है, क्योंकि जो ऑल टाइम हाई होता है वहाँ से तेज सेलिंग बार बार क्रिएट होती भी है, जैसे पहले भी हुई थी। आप देख रहे हो ना कैसे रेड कैंडलें बनी हैं, तो फिर से यही लेवल नीचे के इंपॉर्टेंट होंगे। ध्यान रहे अगर ऊपर से फिर से गिरी तो ये 350 फिर सपोर्ट का काम करेगा, फिर नीचे वाला नहीं करेगा, फिर 350 सपोर्ट का, जो अभी रेजिस्टेंस है ना, फिर वो सपोर्ट बन जाती है। तो ये था फिन निफ्टी। अब आते हैं मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी का प्राइस एक्शन भी यहाँ मैंने बताया वही सेम है कि 11,800 पे भी रेजिस्टेंस है, 700 पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ बार बार सेलिंग क्रिएट हो सकती है, क्योंकि यहाँ बार बार काफ़ी खतरनाक रेजिस्टेंस है मिड कैप निफ्टी, बार बार यहाँ से सेलिंग ही आई है, तो उसी की नकल हो रही है। ऊपर अगर शॉर्ट कवरिंग बनेगी तो 860 के ऊपर बनेगी। 860 जैसे ही निकलेगा तो ऊपर का 956 भी आपको दिखाई दे सकता है। 956 एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, बड़ा रेजिस्टेंस नहीं, छोटा मोटा, और वहां से फिर से नीचे की ओर
11,860 और 800। फिर ध्यान रहे 800, 860, अगर 950 से प्रॉफिट बुकिंग आई तो ये फिर एक स्पोर्ट का काम करेगा। फिर नेक्स्ट शॉर्ट कवरिंग तभी बनेगी अब 960 निकला, 960 के ऊपर क्या दिख रहा है, 12,080। नीचे की ओर आपको बता दिया स्पोर्ट कहाँ है, देखिए नीचे स्पोर्ट मिड कैप निफ्टी की है 11,510, जहाँ 10 MM है वहीं पे स्पोर्ट है, और ऊपर की ओर 542, 600 और 690 ये लेवल। तो ये था, नीचे एक और स्पोर्ट है वो भी बता देते हैं। देखिए तीन लेवल पे स्पोर्ट है, कहीं एक तो पहली स्पोर्ट नोट कर लीजिए 510, सेकंड स्पोर्ट 20 MM 400 पे, मतलब 500 पे, फिर 400 पे, फिर 300 पे। सिंपल है, एक राउंडिंग फिगर वाली स्पोर्ट ही बनी, अपने आप ही 10 MM 20 MM और 10 MM वहाँ वहाँ पे खड़े। तो ये था पूरा कंप्लीट प्राइस एक्शन मिड कैप निफ्टी, फिर निफ्टी और सेंसेक्स का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।